नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्फो बी शर्मा जी में। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे सेशन नंबर 113 का, सेटी का 57। सिंपल सा उस पर क्लिक करके लैब पे क्लिक करते हैं, हम गाइड ट्यूटर सेल पे जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करने का स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हम सिंपल सा हम लोग स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेव ऑन योर डेस्कटॉप नेम द गॉर्जी लिस्ट यूजिंग फाइल टैब। ठीक है, सेव करने के लिए बोला जा रहा है, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली ओपन होकर के आएगा। सिंपल सा फाइल टैब में क्लिक करेंगे हम, एंड उसके बाद यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे, फिर ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। हमारे पास इस तरीके से खुल करके आएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्शन कर लीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करके जो क्वेश्चन में कह रहा है सिंपल से उसको आप यहाँ पे टाइपिंग कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, देन उसके बाद लिस्ट और उसको सेव पे क्लिक कर देंगे, देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आया हमारे पास, हम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन करना गॉर्जी लिस्ट मेक इट बोल्ड एंड इटैलिक करने के लिए बोला जा रहा है। सिंपल से इस तरीके से एक्सेल खुल करके आएगा। यहाँ पे जो गॉर्जी लिस्ट लिखा हुआ है सिंपल से इसको इस तरीके से सिलेक्शन कर लीजिएगा। देन सिलेक्शन करने का बी से बोल्ड होता है, बी पे क्लिक कर देंगे, एंड इटैलिक भी करने के लिए बोला जा रहा है, आई से इटैलिक कर देंगे, आई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, हम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ करने के लिए बोला जा रहा है, पब्लिश करने के लिए। तो सिंपल से आपको क्या करना, पहले यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देते हैं, फाइल टैब में क्लिक करते हैं, देन एक्सपोर्ट में क्लिक करते हैं, देन क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस पे क्लिक करते हैं, एंड इस तरीके से आएगा। एंड आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करके जो भी कुछ होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा, डेमो या कुछ भी लिख दीजिएगा, डेमो फाइव मैं लिख देता हूँ, देन आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, इस तरीके से सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाएगा। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट रो फोर एंड डिलीट, डिलीट करने के लिए बोला जा रहा है रो नंबर फोर को। इस तरीके से एक्सेल ऑटोमेटिकली खुल करके आएगा। तो रो नंबर फोर को हमको सिलेक्शन करना है पहले, तो देखिए यहाँ पे फोर पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से रो फोर सिलेक्शन हो जाएगा। होम टैब का सेल ग्रुप में या डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, देन डिलीट सीट रो पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से वो वाला डिलीट हो जाएगा, देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, हम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट एरिया सेटिंग पेज लेआउट सेटअप। ठीक है, प्रिंट एरिया सेटअप करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरीके से खुल करके आएगा। आप क्या करिएगा, यहाँ से आपको इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करके ये जो टोटल डेटा है इसको आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, देन पेज लेआउट पे जाइएगा, एंड यहाँ पे प्रिंट एरिया पे क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाएगा। चलिए फिर उसके बाद हमारे पास आया है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रो नंबर फोर एंड पेस्ट इट रो नंबर 20। ठीक है, रो नंबर फोर को सिलेक्शन करके कॉपी करके पेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपल सा रो नंबर फोर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन इसको हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के इसको सिलेक्शन करके देन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब रो नंबर 20 पे इसको पेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, देन रो नंबर 20 के पास आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए रो नंबर 20 है, इस पर क्लिक करके देन यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे पेस्ट पे। ठीक है, तो वो डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, हम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, B2 से लेकर के F2 तक मर्ज सेल करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिकली खोल करके आएगा। तो B2 से लेकर के F2 तक आपको सिलेक्शन करना है, इस तरीके से सिलेक्शन कर लेंगे। देन सिलेक्शन करने के अलाइनमेंट का मर्ज एंड सेंटर ग्रुप में आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, मर्ज एंड सेंटर का, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा बन जाएगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास, हम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट ए रेक्टेंगुलर शेप इन द E2 सेल यूजिंग इंसर्ट टैब। एक रेक्टेंगुलर शेप इंसर्ट करने के लिए बोला जा रहा है E2 में। सिंपल सा इंसर्ट टैब में जाएंगे, इलेक्ट्रिशन ग्रुप में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देन शेप्स में क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप जो इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये सिलेक्शन हो जाएगा, देन इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो नॉर्मल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा हमारा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, हम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर शेप को ऑरेंज एसियन टू लाइट 40 करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। इस तरीके से आपका यहाँ पे एक मिलेगा रेक्टेंगुलर, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एसियन टू करने 40, इसका आपको सेव फॉर्मेट में जाइएगा, सेव फील्ड में क्लिक करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपको थेम्स कलर्स का जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आकर के आपको क्या करना है, एसियन 240 करना है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है, ये ऊपर वाला देखते हैं, नहीं है, देन नीचे वाला हम देखते हैं ये कौन सा है,
ये वाला भी नहीं है, चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, ये हो जाएगा ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं ले रहा अभी, कुछ टेक्निकल इशू होगा। आपको इसी क्वेश्चन को 2-3 बार सेम प्रोसेस से बनाइएगा तो आपका बन जाएगा, बन जाएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अभी हम इसको कैंसिल करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर हम 10 नंबर पर क्लिक करके हम स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करते हैं। एंड इसके तरह क्वेश्चन खुल करके आएगा, एक्सेल ऑटोमेटिकली खुल करके आएगा। तो C2 सितंबर मैकेट मिडिल अलाइनमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे C2 इस तरीके से इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मिडिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मिडिल अलाइनमेंट अप्लाई हो जाएगा ठीक है। देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से गाइड ट्यूटोरियल सेल्फ का क्वेश्चन बन जाएगा, और एक क्वेश्चन जो बचा उसको ट्राई कर लीजिएगा ठीक है। अभी हम इन टेस्ट पर क्लिक करके यस करते हैं, एंड एग्जाम को सिलेक्शन करके ड्रैग करके बॉक्स में लेकर के आ जाते हैं, देन कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से गाइड ड्यूटी और सबका क्वेश्चन बन जाएगा और हमको पॉइंट्स भी मिल जाएगा ठीक है। देन ओके करते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग सिमुलेशन क्वेश्चन का। तो सिंपल सा सिमुलेशन क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, पहला क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम, देन स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइज करने के लिए क्या कह रहा है, साइज द टेस्ट प्रकाश स्टडी इन 12। यहाँ पे क्लिक किया बढ़ेगा, देन यहाँ पे क्लिक करके आपको 12 पे क्लिक कर देना ठीक है। देन आपको सेम पे क्लिक कर देना। इस तरीके से पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एंड टू अप्लाई द स्टैंडर्ड वर्क बुक ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओल्ड ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके देन सेव पे क्लिक कर देंगे ठीक है, सेव हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं, सो रिमूव द स्पेलिंग मिस्टेक एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे ठीक है। रिव्यू पे क्लिक करते हैं, देन स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे, देन सेव पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, एंड इसको क्या कर रहा है, सैलरी स्लिप यानी PDF फाइल टाइप में क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, PDF पे यहाँ पर क्लिक करके देन पब्लिश पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से सिमुलेशन क्वेश्चन बन जाएगा, देन सेव पर क्लिक कर देंगे ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, यस करते हैं, एंड एंड एग्जाम को सिलेक्शन करके ड्रैग करके बॉक्स में लगेंगे, देन कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, देन ओके पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिमुलेशन क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। चलिए लास्ट है हमारा सेशन कंप्लीशन टेस्ट, इसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, देन GPS सेटेलाइट यूनिक डेटाबेस, इसका आंसर आपको 4 नंबर यानी कि ग्लोबल पोजिशन सिस्टम यानी GPS इसका आंसर देकर के सबमिट करना है। तो मास स्टोरेज जो होता है ये कैपेसिटी हाई स्टोरेज, इसका आंसर ट्रू यानी कि 1 नंबर देकर इसका आंसर आपको सबमिट करना है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर यूटिलिटी, इसका आंसर आपको 2 नंबर देकर के सबमिट करना है। लास्ट क्वेश्चन है वीकली कंप्यूटर और स्मार्टफोन, इनका आंसर 2 नंबर देकर के सबमिट करना है, देन यस पे क्लिक करेंगे, एंड एग्जाम को सिलेक्शन करके ड्रैग करके बॉक्स में लेकर के आएंगे, देन कंफर्म पे क्लिक करेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन कंप्लीशन टेस्ट भी बन जाएगा और हमको पॉइंट्स मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तत्काल के लिए जय हिंद जय भारत।